नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। रेलवे हमेशा यात्रियों से चलती ट्रेन में चढ़ने और उतरने के लिए मनाई करती है। हालांकि बड़े पैमाने पर की गई अपील के बावजूद यात्री जान की बाजी लगाकर कुछ मिनटों की देरी से बचने की कोशिश करते हैं। कई बार वे किसी गंभीर हादसे का शिकार भी हो जाते हैं। बुरे हालात में लापरवाह यात्री अपनी जान तक गंवा देते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में एक व्यक्ति सौभाग्यशाली साबित हुआ है, जो रेलवे सुरक्षा बल के आरक्षण की समय पर नजर पड़ गई। मामला मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल का बताया जा रहा है। दरअसल यहाँ प्लेटफॉर्म पर आरक्षण मिलिंद पठारे मौजूद थे। उनकी नजर एक यात्री पर पड़ी, जो चलती गाड़ी में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। हालांकि व्यक्ति इसमें सफल नहीं हुआ और प्लेटफॉर्म पर गिर गया। मौके पर मौजूद आरक्षण ने बगैर समय गवाए यात्री को गंभीर दुर्घटना से बचाया। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मध्य रेलवे ने ट्विटर पर घटना का वीडियो शेयर किया। उन्होंने लिखा, 7 जून 2021 को एलटीटी रेलवे स्टेशन से गोरखपुर एक्स के रवाना होते समय एक यात्री चलती ट्रेन में चढ़ते समय अपना संतुलन खो बैठा। वह गाड़ी की चपेट में आने ही वाला था, तभी आरपीएफ आरक्षक मिलिंद पठारे ने तुरंत यात्री को खींच कर बचा लिया। कृपया यात्री चलती ट्रेन न पकड़े। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इससे एक दिन पहले भी मध्य रेलवे के एक मोटरमैन ने समय पर ट्रेन रोककर एक 79 वर्षीय बुजुर्ग की जान बचाई थी। बताया जा रहा है कि वृद्ध ठाणे जिले के विट्ठलवाड़ी स्टेशन पर पटरियों पर कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। इस बात की जानकारी पुलिस ने हमको सोमवार को दी।